अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद इफ़ान अरशद। हम लोग फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टोकियोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने स्टोकियोमेट्री के चैप्टर में अभी तक मोल्स और एवोगैड्रो का कंसेप्ट और उससे रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ा था। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे और परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्लूकोज, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कहते किसे हैं, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपाउंड में इन टर्म ऑफ मास बाय मास इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मसलन जैसे कि हमारे पास मौजूद है CH4, चले मीथेन ले लेते हैं। मीथेन एक कंपाउंड है, CH4 का मास, मोलर मास है 16 ग्राम। अब इस 16 ग्राम में कार्बन का मास कितना है और हाइड्रोजन का मास कितना है, हमें मालूम है। इसमें कार्बन का मास 12 है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि चार हाइड्रोजन एटम मौजूद है, एक कार्बन का एटम मौजूद है। अब यही मास अगर हम परसेंटेज में ले लें, परसेंटेज मास बाय परसेंट ले लें हम, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। के 12 ग्राम 16 ग्राम का कितने परसेंट है और 4 ग्राम 16 ग्राम का कितने परसेंट है, तो हमें मालूम है ये 12 ग्राम जो है ये ऑलमोस्ट 75% बनता है 16 का और 4 ग्राम बनता है 25%। तो हम कहेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, 75% कार्बन है जबकि 25% इसमें मौजूद है हाइड्रोजन, इसे हम कहेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन। इसका मतलब है परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाय मास, इट इज परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, जिस कंपाउंड की परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम करनी है उसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। और हमें मालूम है मोलर मास कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, इट इज सम ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जितने एलिमेंट मौजूद हैं उन सब का मास हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, मास ऑफ 1 मोल। उसके बाद जो मोलर मास हमारे पास आ जाए, जिस एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। उस एलिमेंट का मास का मतलब है उस एलिमेंट का मास उस कंपाउंड में, जैसे कि अगर मेरे पास H2O है वाटर और मैं मालूम करना चाहता हूं हाइड्रोजन की परसेंटेज, तो हाइड्रोजन का मास तो 1 है लेकिन इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है, इट इज 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। मोलर मास वाटर का कितना है 18, तो इसे डिवाइड कर दें 18 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, कैलकुलेट मोलर मास, डिवाइड मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला जो है वो भी यहाँ लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड का मतलब मैंने आपको बताया कि उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास है, हाइड्रोजन का मास 1 है लेकिन वाटर में हाइड्रोजन का मास 2 है। अगर मेरे पास H2SO4 हो सल्फ्यूरिक एसिड और कहा जाए व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 और वो कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 है, ठीक है 64 है ये, ठीक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार ऑक्सीजन है इस कंपाउंड में, डिवाइड कर दूंगा मैं इसको किसके साथ, H2SO4 के मोलर मास के साथ, और वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 64, सल्फर का 32 प्लस हाइड्रोजन का 2, इट इज 98 और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसे 100 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आए। तो अब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5B और इसमें क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन सेल ऑफ जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी।
कैलकुलेट मैस परसेंटेज, कैलकुलेट मैस परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्लूकोज। इसका मतलब है ग्लूकोज में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं आपने हर एक की परसेंटेज डिटरमाइन करनी है। ग्लूकोज का फॉर्मूला गिवन है C6H12O6। इसका मतलब इसमें तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हमें हर एक की परसेंटेज डिटरमाइन करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। हमें मालूम है, हमने सबसे पहले क्या करना है, ग्लूकोज का मोलर मास मालूम करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मोलर मास पे। मोलर मास ऑफ C6H12O6 हम डिटरमाइन करेंगे, और हमें मालूम है मोलर मास क्या है, सम ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं हर एक के मास का सम। तो सबसे पहले कार्बन है, और कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई बाय कितने कार्बन एटम है, 6, प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा ग्लूकोज का। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास आ गया टोटल 180। इसका मतलब है मास ऑफ ग्लूकोज आ गया हमारे पास 180 ग्राम पर मोल। ये हो गया हमारे पास मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब हम डिटरमाइन करेंगे हर एक एलिमेंट की परसेंटेज। सबसे पहले मैं यहाँ मालूम करता हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन की ग्लूकोज में कितनी परसेंट है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ कार्बन इन अ ग्लूकोज। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। अब कार्बन का ग्लूकोज में कितना मास है, कार्बन का मास है 12 मल्टीप्लाई बाय 6। ये जो हमने लिखा था ये कार्बन का, और 12 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 72। तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 और मल्टीप्लाई करने से 100 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास आ गया 40, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे, परसेंट, 40% कार्बन आ गया। अब हम डिटरमाइन करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, कोई भी कर लें आप, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कर लेते हैं। जब हम हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है और मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एलिमेंट का मास है 1, इसका मतलब है टोटल हो गया 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। ये आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 12 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये है हमारे पास 6.66% 6.66% हाइड्रोजन। और इसी तरह हम डिटरमाइन करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर हमें मालूम करनी है तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन अ ग्लूकोज, एक ऑक्सीजन का मास 16 और ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन मौजूद है, ग्लूकोज में मौजूद है 6 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो टोटल हो गया 96। मास ऑफ ऑक्सीजन इन अ ग्लूकोज 96 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 53.33%। ये हमारे पास आ गया 53.33%। तो ये है हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और हम डिटरमाइन कर सकते हैं मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। और हम इसे चेक कर सकते हैं, अगर तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज हमने किसी भी कंपाउंड में मालूम की है तो इन तमाम एलिमेंट की परसेंटेज का सम हमारे पास ऑलमोस्ट 100 के इक्वल होना चाहिए। अगर इनका सम 100 है तो इसका मतलब है हमने सही परसेंटेज
डिटरमाइन की है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास इस चैप्टर के दो टॉपिक बाकी हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसके अलावा ईल्ड, और बहुत जल्द हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और ईल्ड को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।